क्वेश्चन पोर्शन का पार्ट टू पढ़ेंगे। पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो आप देख लें, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 1/2 / 1/3 / 1/4, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे सिंपल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेगा, आप जो नीचे दिया हुआ है 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। 2 + 3 = 6, देखिए 2, 3, 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 + 2 = 3 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और देखिए 3 × 6 = 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, 2 × 6 = 12, इससे इसको डिवाइड करिए, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, तो आपका क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6/4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3/2 a = 4/3 b = 5/4 c, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको देख लीजिए, ये जो है ना, अगर अगर आप इसका बेसिक मेथड चलेंगे तो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं टाइम। तो इसको जो नीचे वाला चाहिए उसको पलट लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, इसको हम पलट लेंगे, तो लिख देते हैं 2/3 = 4/3 है ना, तो पलट लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 = 4/5 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम लेना है, ठीक है। 3 × 4 = 12 / 25 = 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, बिल्कुल। जब 60 हो जाएगा तो देख लीजिए कितना आ जाएगा आपको, 60 हो जाएगा तो इससे डिवाइड किए कितना कितना बार करते 20 + 3 = 60, तो ये आपका हो जाएगा 20 × 2 = 40, 3 है ना, 3 × 2 = 6 काट दिए 20 है 20 × 2 = 40, फिर 4 से काटिए तो 4 × 15 = 60, तो 15 × 3 = 45, ठीक है 45, और ये है 12 × 60 = 12 / 48, ठीक है 4 × 2 = 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 40/45/48, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखते रहेंगे, आगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और भी लिखने वाले हैं, ठीक है, वो भी करेंगे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए आप। चलिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए अनुपात भी दिया है 1/2 / 3/8, फिर बी अनुपात सी दिया है 2/3 / 7/9, सी अनुपात भी दिया है कितना 5/6 / 3/4, तो हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है, इसको ना सिंपल में चेंज कर लीजिए, उसके लिए क्या करना है, देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 1/2 / 3/8 कितना है 3/8, ठीक है। तो आपको जो ये डिनोमेटर वाला नीचे वाला जो पार्ट है उसको ना इतना बेस को सेम कर लेना, तो इसको बेस को सेम करने क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाले भी तो 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सिंपल में कितना हो जाएगा 4/3 × 4 × 8 और ये भी हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये बेस सेम हो गया, यानी कि आपका ए टू बी कितना हो जाएगा, ए टू बी आपका कितना हो जाएगा 4:3, ठीक है, ये आपका बेस सेम हो गया, तो ए अनुपात बी कितना होगा 4/3 हो गया। सेम प्रोसेस में बी अनुपात सी में करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2/3 / 7/9, इसको बेस को बराबर कर लेने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना, ऊपर भी 3 से हो जाएगा गुना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बी अनुपात, ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा ना, तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 और सी कितना हो जाएगा 7, तो बी अनुपात सी बराबर हो गया 6/7, ठीक है। और सी अनुपात डी को भी देखिए, इसको भी बेस सेम करना है, तो इसमें क्या करेंगे सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 5/6 / 3/4, इसमें क्या करना, देखिए इसमें इसमें इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी इसमें भी 6 × 12 हो जाएगा, 6 × 12 और ये 4 × 3 = 12, ठीक है, बेस सेम हो जाएगा, इसमें भी 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से किए तो 3 ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है 3 से किए ना, तो वो हो जाएगा कितना 2 × 5 = 10/12 अनुपात हो जाएगा 3 × 9/12, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे सिंपल फॉर्म में हो गया, तो आपका सी अनुपात डी कितना निकल गया 10/9, ठीक है। अब इसको ना एक एक जगह कर लेते हैं, अब देख लीजिए क्या करना है, पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है आपको, ठीक है। तो ए अनुपात डी सिंपल फॉर्म में किए तो कितना आया हमारा 4/3, बी अनुपात सी को सिंपल फॉर्म में किए तो कितना आ गया आपका
6:7 और C:D को सिर्फ फॉर्म किया तो कितना आया 10:9। चलिए इसको ग्यारह बना लीजिए। अब देखिए आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे तो आप देख लेंगे, इसको जो बगल में प्लॉट खाली रहेगा, जो भी जगह खाली रहेगा सेम नंबर ये वाला लिखा जाएगा आपका 3, यहाँ भी 3, 7 के बगल में क्या होगा 7 ही लिखा जाएगा, इसके बगल में जो प्लॉट होगा ये सेम नंबर लिखा जाएगा। पिछला वीडियो आप जरूर देखें इसको समझना है तो, ठीक है। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा इतना 10 खाली है 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना होगा 7 × 21 = 9 × 9 = 18, ठीक है 3×7 = 21 = 9 × 9 = 18, 189 हो गया। कितना होगा 7×21 = 210, ठीक है ये आपका हो जाएगा 21 × 210, ये हो जाएगा आपका कितना 10×36 = 18, 180, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10×40 = 6, 6×24 = 240। तो आपका और कितना आंसर हो गया A:B:C:D = आपका कितना हो गया 240:180:210:189, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए देखिए मजा आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 3 से सब कट सकता है, ठीक है 3×8 = 24 तो 80 हो जाएगा, 3×6 = 18 ये 60 हो जाएगा आपका, 3×7 = 21 = 70, 3×6 = 18, 3×3 = 9, तो ये भी आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि A:B 2:9 = 1:3 है, B:C 2:7 = 5:14 है और D:C 7:10 है तो आपको A:B:C:D होगा। अब देखिए इसको कैसे निकालना है, पिछला वाला क्वेश्चन पर आधारित है ये भी, ठीक है। क्या करना है A:B है, इसको क्या करना है 9 है, बेस को सेम करने क्या करेगा इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो आपका देखिए 3 ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है ये भी 2:9 हो जाएगा, कितना 3:9। जब बेस सेम है तो A:B कितना आपका हो जाएगा, आपका A:B हो जाएगा कितना 2:3, ठीक है। B:C देख लीजिए उसको क्या करना है, कितना दिया है 2/7 है, 2/7 कितना है 7 है ना, देखिए इधर 14 है तो बेस को सेम करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई, तो 7×7 = 14 हो गया, बेस सेम हो गया तो ऊपर का कितना हो जाएगा B:C हो जाएगा आपका 2×4:5। अब क्या दिया है D:C दिया है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये C:D नहीं है D:C है, ठीक है। देखिए क्या करना है D:C है कितना 7/10 है, ठीक है 7/10 है, एक सेकेंड वो एक छूट गया था, 3:5 है, देखिए 7/10 = 3/5, तो D:C क्या हो जाएगा, इसका बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बेस सेम 10 ये हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 7:6, तो आपका D:C कितना हो गया 7:6 हो गया। अब बस बना लेते हैं गड़ा, क्या करना है निकालना क्या है A:B:C:D, ठीक है। अब A:B कितना आया है 2:3, B:C कितना आया है आपका 4:5 और D:C 7:6, तो D कितना है 7 और C कितना है 6। अब देखिए प्लॉट देखिए कितना खाली है, इसका भी 6 हो जाएगा क्योंकि बगल में है, ये भी 6 हो जाएगा, इसका खाली ये भी 4 हो जाएगा सेम मतलब। अब देखिए इसके बगल में खाली है ये 5 हो जाएगा और ये कितना खाली है 3:3, जो कि पिछला वीडियो में हम बताए हैं आपको, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं आपका निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7×21 = 5×5 = 10, 105, 6×5 = 30 = 90, अब कितना होगा 6×4 = 12 = 72 और आपका ये हो जाएगा 6×4 = 24 2×9 = 48, ठीक है। 3 से कट रहा है क्या सब, देखिए तो 3×16 = 48, 3×2 = 6, 3×4 = 24 = 72, 30×3 = 90, 3×3 = 9, 3×5 = 15, अब किससे कटेगा नहीं,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या 16:24:30:35। आई होप दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको वीडियो पसंद आए होगी, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।